कार का देखिए ये फोटो शूट बहुत अच्छे लगा है, ये लड़कियों ने भी किया है। ये आज का है गुजारिश करूंगा ओयूब सागर। अच्छी ओयूब सर। अच्छा आंसर आंसर ये हमारे माला और इसके बाद शाल पोशी भी और एक माला भी शाल। हमारे जाहिर साहब बाहु दिवसो बम्बोर सर चलो एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सत इज्जत व एहतराम फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहतरम साईं साहब, हमारे दाद देता हूं हमारे जाहिर साहब को जो इस उम्र में बुजुर्गी के इस उम्र में पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन के नए अदीबों नए शोरा हजरात के रहनुमाई के साथ साथ पुराने इन बुजुर्गों के यादों को ताज़ा रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं दिन रात। हमारे अब्दुल खालिक एक्स जेडियो साहब के खतूत जो उन्होंने अपने दौरे सर्विस में लिखे हैं अपने यारों दोस्तों को, पहले ज़माने में तो मीडिया था नहीं, खतूत से ही काम चलता था, तो उस खतूत की उस राइटिंग को महफूज करने के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि खतूत को हम तो किताब में छापते हैं लेकिन एडिट करके इन्होंने वो मेहनत की है कि इनके ही हाथों का लिखा हुआ खत इस किताब में है। खुशाई तो मैं क्या करूं, लेकिन मुझे अपना वो बचपन याद आया जब मैं अपने ही इलाके में जेर तालीम था, शायद फर्स्ट प्राइमरी का स्टूडेंट था। करदा ये मकतूबात है अब्दुल खालिक आपके सामने इस वक्त आज आपके हाथों में है। जाहिर साहब ने बड़ी मेहनत से, पता नहीं मैं तो खुद नुमाई सताइश और शोहरत का कभी ख्वाहिशमंद नहीं रहा, लेकिन पता नहीं इनके दिल में ऊपर वाले ने कैसे डाला कि मेरे खतूत पड़े उनसे मुतासर होकर जो है इन्होंने मुझे इजाज़त चाही कि मैं एक किताब जो है इसकी बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरी किफालत यहाँ इस्तात इतनी नहीं है, इन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से इसको इजरा करूँगा, तो मैंने कहा बिल्कुल आपको इजाज़त है। मतलब कोसों कोसों दूर, बात पते की सुन लो भैया, मतलब कोसों कोसों दूर, कोविड आया कोविड गया, जुकाम रहा बदस्तूर, जब से इस दुनिया में आए बस ठोकर ही ठोकर खाए, भाई जब से इस दुनिया में आए बस ठोकर ही ठोकर खाए, तो भी शुक्र उस मौला का जान बची और लाखों पाए। कभी कम भूख लगती है, जिसे खाने को रोटी हो उसे कम भूख लगती है, तो भूखा शख्स करता है यहाँ जज्बात का सौदा, तो भूखा शख्स करता है यहाँ जज्बात का सौदा। किसी भी मोड़ पर देखो ये किससे खूब होते हैं, किसी भी मोड़ पर देखो ये किससे खूब होते हैं, कहीं पर जीत का सौदा कहीं पर मात का सौदा, कहीं पर जीत का सौदा कहीं पर मात का सौदा। किसी को वक्त इतना है कि काटे भी नहीं कटता, किसी को वक्त इतना है कि काटे भी नहीं कटता, कोई दिन रात करता है यहाँ लम्हात का सौदा। कि किसी भी हम असर शख्सियत और फिर वो जिंदा हो उसकी सलाहियतों और उसकी काबिलियत का एतराफ किया जाए, इसके लिए जिगर चाहिए, इसके लिए जरफ चाहे, जो खुद ठाकुर साहब बखूबी जानते हैं कि जरफ अदालत उस्मा या आम अदालत में अक्सर फैसले आने।
नसीब सुबह गुलशन में गुलू से खेलती होगी, नसीब सुबह गुलशन में गुलू से खेलती होगी, किसी की आखिरी हिस्की किसी की जिंदगी होगी। सरे महफिल अगर दानिश्ता देखा हो तो मुजरिम हो, नजर आखिर नजर है बेइरादा उठ गई होगी। बहतुल मकाम मीर महफिल जनाब तेरा सिंह ठाकुर साहब, जो अदब का सरमाया जिन्हें तलाश है अदब के सरमाए की, उन्हें जरूर इस किताब से इस्तफादा मिलेगा। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कुछ ऐसी शख्सियतें भी उनके खतूत भी इस किताब में होंगे जिनको मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ ना इस महफिल में जानता होगा और ना ही हमारे इस बनियाल या रामबन डिस्ट्रिक्ट में कोई आदमी जानता होगा, जिनको जिनके खतूतों को इस किताब में दर्ज करके उनको भी थोड़ा सा रोशन किया गया, उनका भी तारुफ यहाँ पर फरमाया गया है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कथा है एक सोहबतस मेनिस अंदर खुश रोइज खा किन्न, सोहबतस मेनिस अंदर खुश रोइज खा किन्न, तात खतस मेनिस जवाबा सोइज खा किन्न, सोहबतस मेनिस अंदर खुश रोइज खा किन्न, तात खतस मेनिस जवाबा सोइज खा किन्न, आज से अपजीच कात खवासो आम बोजा चाव सुइत, आज से अपजीच कात खवासो आम बोजा चाव सुइत, बस उछन छु मेन पोज कात बॉयज खा किन्न, बस उछन छु मेन पोज कात बॉयज खा किन्न। ये कथा है जाब्ते में अब कोई तरमीम होनी चाहिए, जाब्ते में अब कोई तरमीम होनी चाहिए, इंसानियत की हर जगह ताजीम होनी चाहिए, जाब्ते में अब कोई तरमीम होनी चाहिए, इंसानियत की हर जगह ताजीम होनी चाहिए, वो मालो जर जिसको भी दे जितना भी दे मुख्तार है, वो मालो जर जिसको भी दे जितना भी दे मुख्तार है, रोटी मगर इंसाफ से तकसीम होनी चाहिए, रोटी मगर इंसाफ से तकसीम होनी चाहिए, जाब्ते में अब कोई तरमीम होनी चाहिए, इंसानियत की हर जगह ताजीम होनी चाहिए। सूख गई प्यास से यारो, कोई एक आंवला पा वादी पुरखार में आए, तो ये वादी पुरखार है ठाकुर साहब आपसे बिल्कुल पनानी है, इसमें इस किस्म की आबियारी मिल बैठ के आ जाओ, करें प्यार की बातें छोड़ के नफरत और तकरार की बातें, जमाने को उखुवत का मोहब्बत का सबक दें, जमाने को उखुवत का मोहब्बत का सबक दें, छोड़ के तोहफो तफंग तलवार की बातें। बहुत बढ़िया, मेरी खुशकिस्मती है और इससे मुझे बड़ा एक इस बात का एहसास होना शुरू हुआ है कि इन पहाड़ों में कितनी काबिलियत छुपी हुई है, इन पहाड़ों में इतने अनगढ़ हीरे हैं जिन्हें शायद वक्त ने मौका ही नहीं दिया कि वो सामने आ सकें और वो अपनी चमक दिखा सकें, के अंदर बहुत कुछ जान डाल दी और हमारे पैगंबर साहब का भी एक खत मैंने डाला इसको, खतूत तो थे ही लेकिन आपने जो उसके अलावा जो चीजें डाली वो बड़ी इंस्पायरिंग है, पढ़े मैं देख रहा था जो कंटेंट्स देख रहा था बड़े खूबसूरत है और उसको पढ़ने के लिए अपना बड़ा दिलचस्प रहेगा, बहुत अच्छा। इन्होंने तो मेरे ख्याल 20 किताबें अब तक लिख दी है, मैंने तो एक भी नहीं लिखी, तो ये बड़े अपना आलिम है, फाजिल हैं, ये तो मुझे लगता है अभी तो जवान है और अभी पता नहीं कितने और किताबें अपने लिखेंगे, हमारी दुआ है कि इनकी उम्र दराज हो, ये सेहतमंद रहें और अपना इस किस्म का जो इनका इन्होंने रोल अदा किया है कि आप जोड़ते हैं लोगों, बिल्कुल ये एफर्ट चाहिए होता है, ऐसे नहीं जुड़ते लोग, कोई ना कोई एक ऐसा मकनातेसी शख्सियत होनी चाहिए जो खींचता है अपनी तरफ, तो आप वो मकनातेसी शख्सियत है जिनकी वजह से आप सब लोग आज आए हैं, हर आदमी को आपको दावत दी होगी, टेलीफोन किया होगा, ये ऐसे है, तो मेरे लंबे सफर की और इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अगले साल, उसके बाद हर साल कोशिश करते हैं कि इस अंजुमन को और तरक्की, बहुत बहुत शुक्रिया।